नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद आपके घर में। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे अपना इलाज तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ना भूलें, आज का हमारा टॉपिक है हल्दी। हल्दी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि हल्दी क्या है। दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंध क्षेत्रों में उगने वाली हल्दी कुरकुमा लौंगा पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। इस पौधे की जड़ बल्ब के आकार की होती है, जिससे प्रकंद, ऐसे कंद जो जमीन के अंदर होते हैं, बनती है। इसे उबालने के बाद सुखाकर फिर मसलकर पीले रंग का पाउडर तैयार किया जाता है, जिसे हम हल्दी के नाम से जानते हैं। 600 ईसा पूर्व हल्दी का इस्तेमाल रंगाई के लिए किया जाता था। भारत में हल्दी बहुत समय से प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद हर्बल दवाओं में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी औषधियां सांस से संबंधित परेशानियां, रूमेटिज्म, बदन दर्द तथा थकान को दूर करने में असरकारी होती हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि हल्दी से हमें क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले कैंसर, इसके बारे में हम आज आपको 5 फायदे बताएंगे। तो पहला कैंसर से है। तो कैंसर में हमें हल्दी कैसे बेनिफिट्स देती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में कैंसर के विकास को रोकती है। एक अध्ययन के अनुसार करक्यूमिन कैंसर से लड़ता है। कीमोथेरेपी के प्रभाव को भी बढ़ने में मदद करता है। हल्दी काली मिर्च के साथ मिलाने पर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कई पशुओं पर किए गए अध्ययन के मुताबिक हल्दी में शामिल क्यूक्यूरमिन कैंसर कोशिकाओं के विकास को कम कर सकता है और ट्यूमर के विकास को रोक सकता है। हल्दी प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद करने के साथ साथ मौजूदा प्रोस्टेट कैंसर के विकास को रोकने में भी सहायक है। हल्दी में मौजूद औषधीय गुण कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो यह था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें कि हल्दी गठिया में क्या उपयोगी है, कैसे फ़ायदेमंद करती है। तो हल्दी में निहित उत्कृष्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइट्स और रूमेटाइड गठिया दोनों के इलाज के लिए अति उत्तम आहार है। इसके अलावा हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में मुक्त कण फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं, जो शरीर को क्षतिग्रस्त पहुंचा सकते हैं। यह पाया गया है कि रूमेटाइड संधिशोध से पीड़ित लोग जो हल्दी का नियमित आधार पर उपभोग करते हैं, उन्हें इसकी वजह से हल्के जोड़ों का दर्द और साथ ही सूजन से राहत मिलती है। आर्थराइट फाउंडेशंस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की विकलांगता का सबसे आम कारण ऑस्टियोआर्थराइट्स है, जो लगभग 30.8 मिलियन अमेरिकी लोगों को प्रभावित करता है। 2016 में की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि 4 सप्ताह के लिए करक्यूमिन का सेवन करना ऑस्टियोआर्थराइट के दर्द से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि डायबिटीज़ में कैसे बेनिफिट्स देती है हल्दी। हल्दी को मधुमेह के इलाज में इंसुलिन के स्तर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है और मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को प्रभाव को बढ़ाती है। एक वैज्ञानिक समीक्षा के अनुसार करक्यूमिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम कर सकता है, जो डायबिटीज़ को रोकने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मधुमेह से जुड़े लीवर विकारों के इलाज में भी मदद कर सकता है। हल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत को रोक सकती है। हालांकि हल्दी का सेवन यदि अधिक प्रबल दवाइयों के साथ किया जाए तो यह हाइपोग्लोसीमिया, निम्न रक्त शर्करा नामक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हल्दी के कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। अब हमारा चौथा पॉइंट है, हल्दी का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कैसे किया जाता है। अनुसंधान में यह सिद्ध किया गया है कि हल्दी सिर्फ एक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि अधिक कोलेस्ट्रॉल अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का उचित स्तर बनाए रखने में के लिए कार्डियोवास्कुलर हृदय संबंधित रोगों को रोका जा सकता है। करक्यूमिन और विटामिन B6 में समृद्ध हल्दी आपके कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है और विटामिन B6 होम्योसिस्टिन को पैदा होने से रोकता है, जो कि सेल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ये किसी भी प्रकार का हृदय रोग पैदा कर सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हल्दी खाएं और हृदय को स्वस्थ बनाएं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
और बहुत मेन पॉइंट है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और जीवाणु रोधी एजेंट है और इसे संक्रमण की रोकथाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपकी त्वचा जल गई है या कट गई है, उसके उपचार के लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं। हल्दी क्षतिग्रस्त त्वचा की मरम्मत में मदद करती है। इसका उपयोग छाल रोग, सोरायसिस और अन्य सूजन संबंधित त्वचा विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है। 2014 में यूरोपीय जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के अनुसार चूहों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि हल्दी डायबिटीज़ के कारण शरीर में हो रहे दर्द को कम करने में मदद करती है। अन्य दवाओं से बेहतर है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसमें सूजन को कम करने वाले शक्तिशाली प्रभाव होते हैं और यह एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक। तो कैसे लगे इसके बारे में आप हमें वीडियो के कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।